सो हाय दोस्तों, अभी मेरे हाथ में है आईफोन 6s और ये है लोगो पर। और दोस्तों, आईफोन 6s हो या कोई सा भी फ़ोन हो, जब ये लोगो पर होता है तो उसको सबसे पहले एक बार फ्लैश करें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेलिंग दी है एक नैंड प्रोग्रामिंग की। यहाँ पर मैंने इस आईसी नैंड को डैमेज होने के बाद में चेंज किया है, सो सारी कम्प्लीटली आपको यहाँ पर बताया है। अभी मैंने मैजिको केबल के थ्रू इसको डायरेक्टली DFE मोड पर डाला है, क्योंकि ये फ़ोन में नैंड का एरर है, इसलिए DFE मोड पर नहीं जाता है, ये रिकवरी मोड पर जा रहा है। और देखिए कि जैसे ही मैंने इसको रिकवरी मोड से कनेक्ट करके लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर ये रिकवरी मोड शो कर रहा है। 3U टूल मैंने ओपन किया हुआ है। अब मैं इसको सबसे लेटेस्ट जो भी फाइल है उसके साथ इसको फ्लैश करूँगा और फ्लैशिंग में देखूँगा कि इसमें क्या एरर आ रहा है। अगर एरर नहीं आएगा तो ये सही भी हो सकता है, पर इसमें 20% का एरर आ रहा है। और इसके जो स्विचिंग पैनल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आपको शो हो रहा है। सो दोस्तों, ये जो एरर होता है ये नैंड का डैमेज का एरर है, और बेसिकली यहाँ पर हमें नैंड को चेंज करना पड़ेगा। हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम ये जो नैंड है ये एरर ये ख़राब ही हो जाती है। सो यहाँ पे मैं इसको चेंज की ही प्रोसीजर यहाँ पे कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा, और आप अगर ज्वाइन करना चाहेंगे ऐसा टेलीकॉम तो भी आपको मज़ा आएगा। ऐसे काम आप भी कर सकते हैं, कोई बड़े काम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल काम है। आपको देखते होंगे बहुत बड़े काम, बट जब आप इसको सही तरीके से अच्छे लेवल पे आएंगे, हमसे सीखेंगे, तो हम आपको बेसिक से हर चीज़ सिखाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले नैंड को निकालने के लिए आपको जो अपनी हीट है और जो एयर है वो रखनी है। हीट को रखना है 350 और एयर को रखना है आपको 30 पर। और जो यहाँ पर मैं साइड ग्लू कटिंग कर रहा हूँ, साइड ग्लू कटिंग बहुत आराम से करनी है दोस्तों। साइड ग्लू कटिंग का रीज़न क्यों होता है, क्योंकि आईसी के पास सबसे ज़्यादा जो स्मॉल्स रजिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, वो रजिस्टर डायरेक्टली एक सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं, और रजिस्टर निकल जाने पर आपका फ़ोन चालू नहीं होगा, बहुत सारी आपको दिक्कतें जाएंगी। हो सकता है CPU से कनेक्शन कट जाए और अलग अलग वो रजिस्टर की सर्किट सप्लाइयाँ होती हैं। तो अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर साइड ग्लू कटिंग ही की है। अब उसके बाद में और नैंड के ऊपर एक छोटा एक अलग तरह का एक पेपर होता है, तो उस पेपर को निकालना होता है, तब जाके नैंड का आप जो नंबर्स होता है सील नंबर है वो पढ़ सकते हैं। हालांकि ये नैंड चेंज ही की है, चेंज ही करना है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसको निकालने के टाइम पे जो मैंने हीट रखी है वो हीट मेरी 350 है और एयर 30 है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साइड से आपको हल्के से इसको उठाना है, पर दोस्तों यहाँ पर आप देखो, मैंने ना साइड में ना येलो कलर का एक हीट रेजिस्टेंट टेप लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पर जो अंदर आपको जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वो एक हार्ड ग्लू होता है। सो हार्ड ग्लू को आपको क्लीन करना है बहुत सेफली तरीके से, और जितनी ज़्यादा जितना कम हो उतना ही हीट यूज़ करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें पीछे आपके CPU और आपका RAM लगा होता है, और बहुत सारे कॉम्पोनेंट और बहुत सारी आईसियाँ होती हैं जो कि ब्लैक पेस्टेड होती हैं, और ज़्यादा हीट देने पर ये बोर्ड आपका फूल भी सकता है, और वो CPU और जो नैंड है वो भी डैमेज हो सकता है, उसको भी आपको शायद रिवॉल्व करके लगाना पड़े। तो इसलिए जब भी इस पे काम करें हमेशा अच्छी प्रैक्टिस करें और स्किल के साथ में काम करें। आप जब तक 2-3 बोर्ड में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी हीट रखनी है और कितना एयर रखना है। अब देखिए, बोर्ड क्लीनिंग मैंने पूरी कर ली है, अब इसको कनेक्ट करूँगा। और आईफोन में विदाउट नैंड अगर हम कनेक्ट करें तो ये डायरेक्ट DFE मोड पे कनेक्ट होता है, और आप देखिए मैंने इसको विदाउट नैंड कनेक्ट किया हुआ है, तो ये 3U टूल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये DFE मोड पे कनेक्ट होगा। सो इसका मतलब ये है कि CPU और RAM जो मेरा है उसको अभी वो ख़राब नहीं हुआ है, मतलब वो हिला नहीं आएगा। ये कनेक्ट नहीं होता तो मैं ये फिर इनको मुझे चेक करना होता कि कहीं नैंड के बगल में कोई रजिस्टर तो नहीं निकले हैं, या फिर किसी प्रकार का जो यहाँ पे U2 IC लगी होती है वो तो नहीं हिली है, क्योंकि कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। सो जब भी अगर कनेक्शन ना हो तो आपको सबसे पहले आपके नैंड के आसपास के कॉम्पोनेंट चेक करने हैं, दूसरे नंबर पर आपको अपना U2 IC चेक करना है, और क्योंकि वही आपकी एक USB IC होती है जो कनेक्शन आपकी बनाती है, और उसके बाद में फिर तब जाके आप नेक्स्ट टाइम पे CPU बजा सकते हैं। पर प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आप स्टेप टू स्टेप भी जा सकते हैं सर्किट का नॉलेज होने के बाद में। देखिए, अब यहाँ पे मुझे नैंड को रिवॉल्व कर रहा हूँ, और जिस नैंड को मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, वो मैंने अपने एक स्क्रैप iCloud स्क्रैप बोर्ड से निकाल कर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा हूँ, और ये iPhone 6s की ही है। तो मुझे इसका कॉन्फिगरेट मतलब बूट मुझे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मुझे इसमें सिर्फ सीएल नंबर डालना है पुराना, जो भी एक हमारा जो सेसेस का जो नैंड का डैमेज हुआ था बस वो सीएल नंबर उठा के मैं इसमें डाल दूंगा, और वो सीएल नंबर जैसे कि अब मैंने बताया है कि वो डैमेज
ऑलरेडी दिखा रहा है पहले से, बट वो हम मैजिको बॉक्स से उसका सील नंबर निकाल सकते हैं, बट उसके सील नंबर निकाल के हम उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सील नंबर मिसमैच करेगा तो ये अपडेट फेरियल पे चला जाएगा और फ़ोन आपका ऑन तो हो जाएगा बट ये आईक्लाउड या होम स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने जेसी का यूज़ कर रहा हूँ और जेसी प्रोग्रामर जो है यहाँ पर मैंने नया नैंड लगाया है। ये दो नैंड आपको दिख रही है, एक पुरानी और एक नई, और जो नई नैंड है वो 64 GB है और आप देख रहे होंगे ये कनेक्टेड हो गई है। और यहाँ पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे, पैनल पे देखिए तो इसका मैंने यहाँ पे इसका नंबर भी डाला हुआ है। दोस्तों जो मैंने पुरानी वाली नैंड को मैजिको बॉक्स से उसका सीरियल नंबर निकाला है वो उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वो वीडियो मेरे से छूट गया रिकॉर्ड करने के टाइम पे। पर कोई बात नहीं, ऐसे वीडियो हमने बहुत सारे बनाए हैं। आप एसर टेलीकॉम के चैनल पर जाइए, आप सर्च कीजिए यूट्यूब में एसर टेलीकॉम आईफोन 6 या नैंड, आप सिर्फ नैंड भी लिखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो हमने डाले रखे हैं जिसपे हमने प्रॉपर नॉलेज दिया हुआ है। और प्रॉपर नॉलेज के लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी नहीं होता है, आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ता है। इंस्टीट्यूट आकर आप हमारे साथ में बैठिए और हमारे हाथों के नीचे काम कीजिए। एक गुरु का होना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ वीडियो देखकर आप कभी भी, आप देखो बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, यहाँ पे मैं नैंड को फिट कर रहा हूँ, फिटिंग का जो मैं हीटिंग बताऊँ 350 और 30 यहाँ पे एयर ले लीजिए। जो गुरु का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर ऑनलाइन ऑनलाइन। आप मुझे बताइए क्या आप कार चलाना है या स्विमिंग करना ऑनलाइन सीख सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही आप ये कोर्स ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं नहीं आ पा रहा तो उनको निकलना पड़ेगा, इस कोर्स के लिए उनको निकलना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक वो सीख नहीं पाएंगे। फिर ऐसे में होगा क्या कि आप अपने पैसे यहाँ नहीं वहाँ नहीं हर जगह कहीं ना कहीं वेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 UUL का देखिए, यहाँ पर हीटिंग जो फ़ैन है वो यूज़ कर रहा हूँ, कूलिंग फ़ैन जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, जो हीट होने के टाइम पे उसको कूल करता है। तो आप देखिए मैंने फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है, नैंड लगाने के बाद में ये फ़ोन डायरेक्टली आप देखेंगे DFE मोड पर ही कनेक्ट करेगा। मुझे यहाँ पर इसको फ्लैश करना है, पर फ्लैशिंग के टाइम पे मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो iTunes टूल है, और यहाँ पर जो मैं फर्मवेयर यूज़ कर रहा था लेटेस्ट फर्मवेयर यूज़ कर रहा हूँ। अब ये अब देखिएगा किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो मैंने ऑलरेडी कर दी है इसकी, अब इसको सिर्फ फ्लैश करना है और नॉर्मल ये ऑन हो जाएगा। और इसको मैंने अपग्रेड भी किया है, इसमें जो पुरानी जो नैंड साइज़ था वो 32 GB था और मैंने इसको 32 GB से 64 GB इसको कर दिया है। तो एक कस्टमर का फ़ायदा भी हो गया है और उसका फ़ोन चालू भी हो गया है, जो कि लोकल मार्केट में बहुत कम लोग करते हैं। आप देखिए कि फ़ोन अब अपना अपडेट जो रीस्टोर है वो होना प्रक्रिया चालू कर दिया है। और दोस्तों मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँ, आप अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको फॉलो ज़रूर कर लेना चैनल को, और इसके लेटेस्ट सारे वीडियो देखिए क्योंकि आपको इससे प्रेरणा मिलेगी आज नहीं कल नहीं भविष्य में एसर टेलीकॉम ज्वाइन करने की। और आप एसर टेलीकॉम को यूट्यूब में भी जाके सर्च कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी जाके सर्च कीजिए और आप हमसे जुड़िए, आप देखिए कि कितने सारे आपको फ़ायदे हैं एसर टेलीकॉम से जुड़ने के, क्योंकि दुकान कैसे चलाना है, हर चीज़ टूल्स कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम आपको बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एसर टेलीकॉम में। दोस्तों आप एसर टेलीकॉम में आने के बाद में Day 1 से कॉम्पोनेंट से लेकर ड्यूअल डेकर तक का जो सफ़र रहेगा वो काफ़ी आपका लाइफ चेंजिंग सफ़र रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सर्किट की डाटा सीट बनाना हर चीज़ इतने बेस्ट लेवल तक सिखाएंगे। जितने फॉल्टी मोबाइल हैं आप लाइए, उन फॉल्टी मोबाइल को डायग्नोज करना, आप ही के हाथों से डायग्नोज करवा के लाइव रिपेयर करवाएंगे। और आप MMC चेंज या प्रोग्रामिंग की बात करें या सॉफ्टवेयर की बात करें या हार्डवेयर की बात करें, आप देखिए सर टेलीकॉम के पुराने वीडियो लिस्ट में जाइए और देखिए कि स्टूडेंट ने कितना काम किया हुआ है, बिल्कुल एंडलेस है। और जो एक ऐसा एक मात्र इंस्टीट्यूट है जो लाइव आकर आता है और अपने स्टूडेंट से पूछता है कि उसने क्या काम किया है। सो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एसर टेलीकॉम के चैनल पर देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर फ़ोन मेरा लगभग चालू होने ही वाला है, मैंने जो नैंड रखी हुई है वो इसकी पुरानी नैंड है और अब ये फ़ोन अपग्रेड भी हो गया, साथ में मैं इसका सील नंबर भी मैं छुपा नहीं रहा हूँ, मैंने सील नंबर भी दिखाने की कोशिश की है। और ये वीडियो से अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने चैनल में इसको फॉलो और इसको शेयर ज़रूर कर देना, हमारे चैनल को फॉलो कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी।
तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं। Thank you.